हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 11th के प्रोज के फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में ग्रैंड मदर का चरित्रण देखेंगे। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंड मदर, तो दादी माँ का चरित्रण दीजिए। आंसर हेडिंग डालेंगे हर पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व। ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड एंड शॉर्ट लेडी, ग्रैंड मदर एक वृद्ध और छोटे कद की महिला थी। हर फेस वॉश कवर्ड विथ रिंकल्स, उनका चेहरा झुर्रियों से ढका हुआ था। शी ऑलवेज वियर्स व्हाइट ड्रेस, वे सदैव सफ़ेद पोशाक पहनती थी। शी वॉज पोलाइट काइंड एंड जेनरस, वे विनम्र दयालु और उदार थी। अ रिलीजियस वूमेन, एक धार्मिक महिला। शी वॉज अ वेरी रिलीजियस वुमेन, वे बहुत धार्मिक महिला थी। शी ऑलवेज फीड डॉग्स विथ स्टेल चपाती, सदैव कुत्तों को बासी रोटियां खिलाती थी। शी टुक बीड्स ऑफ रोजरी इन हर हैंड्स, वे मनकों को मालों को अपने हाथ में लिए रहती थी। शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम बाई स्पिनिंग एट द व्हील एंड प्रेइंग, वे अपना अधिकांश समय चरखा चलाने और प्रार्थना करने में गुजारती थी। हेडिंग है अ कंजर्वेटिव लेडी, एक रूढ़िवादी महिला। शी वाज अ कंजर्वेटिव लेडी, वे एक रूढ़िवादी महिला थी। शी वाज सैड टू हियर दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स इन स्कूल ऑफ द नरेटर, वे इस बात को सुनकर बड़ा उदास हुई कि स्कूल में ईश्वर और धर्म ग्रंथों के बारे में, नरेटर के कहानी वक्ता के स्कूल में भगवान और धर्म ग्रंथों के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती थी। शी आल्सो थॉट दैट म्यूजिक वाज नो मेंट फॉर जेंटल फॉक, वे ये भी सोचती थी कि संगीत साधारण लोगों के लिए नहीं होती है। इट वाज फॉर प्रोस्टिट्यूट एंड बेगर, तो ये संगीत वेश्याओं के लिए और भिखारियों के लिए होती है। हेडिंग हर अफेक्शन फॉर हर ग्रैंड सन, अपने नाती के लिए उनका स्नेह। अफेक्शन मीन्स स्नेह। श्री ट्रीटेड हर ग्रैंड सन एज अ फ्रेंड, वे अपने नाती को मित्र जैसा व्यवहार करती थी। शी हेल्प हिम वेरी मच, वे उसकी बहुत मदद करती थी। व्हेन द नरेटर केम फ्रॉम द अब्रॉड, जब नरेटर विदेश से आया, शी फेल्ट हैप्पी, वे बड़ा खुश हो गई। शी कलेक्टेड ऑल द वीमेन ऑफ हर नेबरहुड एंड स्टार्टेड सिंगिंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, तो उन्होंने पड़ोस की सभी स्त्रियों को इकट्ठा किया और योद्धाओं के वापस आने के गीत को गाना शुरू कर दिया। हेडिंग है हर ऑड बिहेवियर्स, उनके विचित्र व्यवहार। ड्यू टू ओवरवर्क, अतिरिक्त कार्य से, शी फेल इल विथ फीवर, वे बुखार से पीड़ित हो गई। शी टोल्ड हर फैमिली मेम्बर्स दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से बताया कि उनका अंत नज़दीक है। शी डिड नॉट स्पेंड टाइम विथ हर फैमिली मेम्बर्स, परिवार के सदस्यों के साथ उन्होंने अपना समय नहीं बिताया। इन स्टीड ऑफ दिस, इसके बजाय, शी कंटिन्यूड प्रेइंग टिल हर लास्ट ब्रिथ, वे लगातार अपने अंतिम श्वास तक प्रार्थना करती रही। लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन, निष्कर्ष। इन शॉर्ट, संक्षेप में, ग्रैंड मदर इज अ सिंबल ऑफ लव केयर एंड अफेक्शन, संक्षेप में दादी माँ प्यार देखरेख और स्नेह की प्रतीक हैं। शी इज हाईली रिलीजियस, वे बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं। शी इज अ वीमेन ऑफ जेनरॉसिटी एंड नोबिलिटी, इसको अपने नोटबुक में नोट कर लें, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।